नमस्कार, मैं मनोज सिंह पवार। एक बार फिर से जो है आपका एमएस पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अल्मोड़ा में। अभी देखिए, ये पुलिस लाइन पे अभी बजे शबरे के साथ। तो दोस्तों, आजकल ना हम जहाँ भी जाते हैं सभी जगह जो है रूट जा चुकी है। क्यों सर? जहाँ भी जाते हैं पूरी जगह रूट जा चुकी है। और सामने पे एक पहाड़ी है, अभी तो इधर से दिन देखिएगा तो लगभग 8-9 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है। हम जो है अल्मोड़ा से जो है बांद्रे देवी को जो है ट्रैक करने वाले हैं। तो रास्ते में अभी नीचे डाउन जाना है, श्रियाल नदी क्रॉस करके उसके बाद जाया जाएगा। और बने रहे, देखिए पहली बार जा रहे हैं, हमको भी ट्रैक का पता नहीं है। और हमारे साथ हमारे मित्र देव भाई, सौरभ भाई। अभी ललदा कहाँ है? ललदा अभी आगे गए हैं। तो चल रहे हैं, हमारे की शुरुआत हो चुकी है सवेरे के 7 बजे। ये रिजर्व पुलिस लाइन। यहाँ से जाएंगे नीचे खगमरा मंदिर। खगमरा मंदिर से जो है ट्रैक होगा। आप लोग भी जब अगर ट्रैक करना चाहते हैं अल्मोड़ा से बांद्रे देवी, तो यही रूट है। हम देखिए दोस्तों, खगमरा मंदिर, इससे पहले मैंने इसकी वीडियो भी बना चुका है। ये खगमरा को जाता है, इसके पीछे से जो हम ट्रैक कर रहे हैं, जा रहे हैं खगमरा कोट के नाम से। पहले ये जगह जाना जाता है, चंद्र शासकों का किला होता था यहाँ पे पहले खगमरा। अभी आज के वर्तमान समय में जो है खगमरा टेम्पल है। देखे ना दोस्तों, हमको जाना है यहाँ से नीचे। देखिए आपको ईस्ट वाले टॉप पे, ये टॉप जो है बांद्रे देवी टॉप है, सिर्फ पीछे वाला टॉप आप लोग देख रहे होंगे। और नीचे का लोकेशन देखिए यार, धीरे धीरे अब पूरा यह कोहरा लगा हुआ है। और ये सनराइज और रास्ता ये है, उसके बाद पूरा हमें। और लोकेशन देखिए, पहली बार मैं भी आ रहा हूँ इस एरिया से। और देखिए आप लोग जो सबरी का नज़ारा पूरा नीचे नहीं, सुयाल नदी में कोहरा भर चुका है। अब कोहरा ऊपर को उठ रहा है। और हमारा ये ट्रैक ऐसा रहा, देखिए ये अब होने लगी पूरी ऑफ रोडिंग ट्रैक, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी जाना बहुत दूर है वो उधर पहाड़ी टॉप पे, इस वाली टॉप पे बांद्रे देवी। तो मतलब बड़ा, मैं शायद पहली बार मैं ट्रैक कर रहा हूँ कहीं पे। यहाँ पर हम लोग जो है गाड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन हमने प्लान बनाया कि ट्रैक करके जाए। पहली बार जो है बांद्रे देवी जा रहा हूँ और जो है ट्रैक करके जा रहे हैं। लोकेशन आप लोग देखिए यार, कितना ज़बरदस्त है लोकेशन है। और ये देखिए, यहाँ से आए हैं हम लोग। ये पूरा ये धारना, ये क्या कहते हैं, पूरा ये आ गया, ये दुकान खोला वो मंदिर। और यहीं से हम लोग ये आए हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी तो पूरा डाउन जाना है नीचे श्रियाल नदी तक, उसके बाद पूरी खड़ी चढ़ाई ट्रैक होगा। रास्ता देखिए इस टाइप का है, सो डाउन चलने में तो अभी तो मज़ा आ रहा है। ये रास्ता देखिए भी मज़ा आ रहा है। और अभी देखिए नीचे, ये पूरा कोहरे से ढक रखा है, कोहरे में समाने वाले हैं हम लोग। और पहाड़ी जो है तगड़ी आ रही है। जैसे हम थोड़ा सा नीचे पहुंचे, देखिए दोस्तों एक टेंपल बनाया गया इधर भी, शानदार सेम कलर लग रहा है जैसे बांद्रे देवी वाला टेंपल ना। ये देखिए यहाँ पर अगर आप आते तो एक ये टेंपल भी आता है। जय माता दी। ये रहा मंदिर के पीछे से हम होते हुए अभी हमारा ट्रैक जारी है। हम लोग जो है पहला पड़ाव बोले तो ऊपर से पूरे डाउन है ना नदी में हम पहुँच चुके हैं। और ये रहा देखिए, ये पूरा ये आ रही ना दोस्तों, ये सुयाल नदी। अभी इसको पार करके उसके बाद फिर चढ़ाई आएगी। डाउन तो नहीं होना सौरभ? आज हमारा गाइड है सौरभ भाई। पुल कहाँ है नीचे? अरे नहीं, अच्छा दोस्तों, रिजर्व पुलिस लाइन खगमरा किले से जो है हमारा पहला पड़ाव जो है पार होता हुआ, हम जो है इस ये सुयाल नदी को क्रॉस कर रहे हैं इस ब्रिज से। तो अभी सफर में काफ़ी आनंद आया, अच्छा लगा। उसके बाद का हमारा ट्रैक होगा। देखिए यार ये देखिए नदी, नदी में मतलब अभी काफ़ी पानी है। उसे तो हम लोग जो है यहाँ नहाने भी आ सकते हैं यार, है ना दादा? देखो अच्छा अच्छा तालाब है इधर पे। हाँ अभी तो फिर यार तो पहुँचते जैसे नदी क्रॉस किया है, फिर जैसे सामने एक गांव है। कौन सा गांव है सौरभ? पुनियोन गांव। फिर ढोरा कब आएगा? अच्छा
अभी पहला गांव जो कि पुल से ब्रिज से कुन्यून विलेज। फिर आप ये देखिए दोस्तों यार, ये लालटेन देख के मजा आ गया जी। एक लालटेन मेरे पास है, मैंने वीडियो शूट किया था तब हम ऊपर ले गए थे हम लालटेन। और ये क्या किसके पौधे हैं, कितना अच्छा लग रहा, शानदार। और धूप जो है वहां तक पहुंच चुकी है, पूरा ये कोहरा नहीं लगा, ये कोहरा दिख रहा होगा। इधर पे बिल्डिंग है ना, हम लोग यहीं से पूरा नीचे डाउन आ रखे, फिर यहाँ से जा रहे। देख लो अभी कोहरा है ना, इसलिए किले नहीं दिख रहा है। ट्रैक में जो है काफी मजा आ रहा है। ये स्कूल है शायद, पता नहीं क्या है। अभी सामने जाके छाना ढोरा स्कूल दोस्तों, ये देखो GPS छाना ढोरा स्कूल। फिर यहाँ पहुँच चुके हैं हम, मतलब लगभग समझ गए पूरे गांव। अच्छा तीन है आपको, अभी हम लोग चलते चलते जो है थाना ढोरा ये रोड पर पहुंच चुके हैं। का ढोरा, और देखिए अलमड़ा वो वहाँ छूट गया। देखिए दोस्तों अभी हम ये ढोरा गांव से ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए इस लोकेशन यहाँ से आए थे हम लोग, अभी चढ़ रहे हैं। देखिए गांव क्रॉस करके ऊपर को, सफर में काफ़ी आनंद आ रहा है, अभी तो कोई थकान नहीं लग रही। तो दोस्तों देखिए जाते जाते देखिए ये बताइए ये पिरोल मिल गया, हमारे वहाँ शॉल बोलते हैं उसको, हिंदी में शायद शाही बोलते हैं, बताएं उसे छोड़ के। और देखिए सुहाना सफर जंगलों के बीच, ये मंदिर भी है शायद। हमें भी जो है ढोरा विलेज को क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल ये चीड़ के जंगल। ये बहुत ये लमगड़ा, ये लोहा देवी धुरा लोहा घाट वही वाले रोड से ये देखे हम लोग जा रहे हैं। ये लमगड़ा देवीधुरा और लोहाघाट को ये रोड जाती है, यहाँ पर पहुँच चुके हम पैदल। रोड क्रॉस कर लिया हमने नीचे से, आप ऊपर जा रहे हैं शॉर्ट रास्ता। इधर वे एक टेंपल है, यहाँ से देखिए ये शाही देवी रेंज, और उसके बाद पूरा ये अल्मोड़ा का नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ से हिमालयन रेंज दिख रही है, इधर से त्रिशूल हो गया और नंदा देवी ईस्ट भी है, इसमें नहीं आ रहा दोस्तों। और जस्ट इधर पे ये चांगो जितने भी है ना ये, और इधर से देखिए पूरा हिमालयन रेंज ये दिख रहा होगा दोस्तों आपको हल्का हल्का। ये देखिए पूरा ये हिमालयन रेंज दिख रही है इधर पे, ये त्रिशूल से स्टार्ट हो गया। और ऐसा नेचर ट्रेल है, भाई लोग जो है आगे जा चुके हैं। और इधर पे ये शायद ये भी ढोरा गांव है। यहाँ पे दोस्तों देख रहा हूँ जितना पूरे जंगल साफ किए गए हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर पलना बैंड की ओर, तो दिख रही है यहाँ लगभग 60-70 पेड़ काटे गए हैं पूरा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच गए रोड में पैदल पैदल, ये गोल वाला ट्रायंगल पलना बैंड। इससे पहले हम लोग जो है यहाँ से डोला आश्रम गाड़ी में गए हैं, लमगढ़ की तरफ गए। पूरा देखिए ओ आकार का बैंड है यार पूरा ओ, इधर से ये यहाँ से हम जो है गाड़ी से बिल्कुल डोला आश्रम गए लमगड़ा होते हुए, ये जो है बोलते पलना बैंड। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने ये चाय पी ली है थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद, सुकून मिला। उसके बाद देखिए ये पलना बैंड, इसके बाद ये ऊपर को ट्रैक है, फिर जाएंगे हम लोग। कैसा लगा सर, कैसा लगता है आपको ट्रैक में? बढ़िया, आज का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। मंजिल दूर है, और देखिए जो वहाँ से हिमालयन रेंज दिख रही है ना दोस्तों, ये हल्का सा इसमें नहीं आ रहा होगा ये। तो यहाँ से कुछ सामान लेके चलो, ये बाबरे हवा में गजब ये रखा, ये तो तगड़ा रहा है। हाँ अब ये देखिए इस बैंड से हम जो है लमगड़ा डोला सुन गए। देखिए यहाँ से अब जा रहे हैं हम लोग ये पैदल ट्रैक, ये खड़ंसा मार्ग। और रास्ते में जो है सिनेमेटिक सुपर भी बहुत ही अच्छे व्यूज भी नज़र आ रही है। ये देखिए यार आंगनबाड़ी सेंटर है पलना अल्मोड़ा में। ये देखिए ये स्कूल है,
देखिए नीचे रोड से हमने पहले यहाँ पे जब लमगड़ा आए थे रोल आश्रम के लिए, इसी में हमने वीडियो शूट भी किया था दोस्तों। ये इधर पे स्कूल है, देखिए प्राथमिक स्कूल। देखिए यार क्या शानदार जगह है, मैदान, ऐसा ट्रैक रूट है हमारा। तो देखिए दोस्तों यार यहाँ से वो शाही देवी की ये पहाड़ी, और देखिए आप ट्रैक करेंगे ना ये उसके बाद पूरा अल्मोड़ा का व्यू दिख रहा है, इसमें उतना नहीं दिख रहा होगा। और ये हिमालयन रेंज दिख रही है दोस्तों इधर से, ये नंदा घाट, ये पनवाली द्वार, और ये इधर पर थोड़ा सा गैप है ना इस वाली में पिंडारी ग्लेशियर ट्रेल पास, वहाँ से पास होते हुए ये चीज़ है। और यहाँ पे भी एक हिमालयन दिख रही है, अभी धुंधे हैं नहीं पता नहीं, शायद क्लियर नहीं दिख रही है। और हमारा ट्रैक ऐसा है, और देखिए यार अगर व्यूज़ ये नज़ारे देखने हैं ना तो पैदल आना चाहिए हम लोगों को, जितना भी ऐसे ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है हम लोग जो गाड़ी है बाइक थी तो आ सकते, तो हम बाइक से भी आ सकते थे दोस्तों, लेकिन हम जो है पैदल ही एक्सप्लोर कर रहे हैं जगह को। तो अभी तक काफ़ी आसान लग रहा, अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं ट्रैक करता था तो बहुत हैवी सामान होता है, इसलिए मेरे को तो ईजी वही लग रहा है। मॉडरेट लेवल मैं कहूँगा कि मीडियम है, जैसे आप ट्रैक करेंगे तो इसका स्तर। ये देखिए ये कौन सा मंदिर बताया, ये गंगनाथ जी है, और नीचे भूमिहाल का मंदिर, और ये अड़ी देवता का मंदिर है यहाँ पे मिले हमने। अभी रास्ता इधर से कितना होगा आपकी, 10-15 मिनट लगेंगे। अच्छा नॉर्मल इतनी जल्दी, 15-20 मिनट ही बैठ। अच्छा इसके बाद पौधार आएगा। हाँ तो ये ट्रैक है दोस्तों, देखिए अभी इसी ट्रैक ट्रैक जाना है, शानदार जगह है दोस्तों। लोकेशन देख के देखिए आप कमेंट करिए। देखिए दोस्तों देखिए यार इस वाले एरिया में देखिए पूरा स्कूल में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है पूरे जो है ना दोस्तों सर्वे कर रखा है भूवैज्ञानिकों ने, तो नीचे ज़मीन के अंदर जो है तांबा पाया गया कर रहे हैं। उसके बाद पता नहीं यहाँ पे खुदाई कोई विरोध भी नहीं कर रहे आप लोग, यार कर ही रोके हैं। अरे दे दिया कि कर लो, मतलब एरिया बेच दिया मतलब वो जगह। अच्छा बाबरे, और यहाँ भी जमीन बिक रही है आपके यहाँ? हाँ नहीं, आप लोगों के यहाँ भी जमीन बिक रही, जितने गांव में जा रहे हैं ना हम उधर पे, तो जहाँ पे लोग सारी जमीन बेच रहे हैं। अच्छा सब बिक गया। हाँ हाँ ये रोड कटे बाहर के यार, हाँ तभी तो भूख आनंद ला रहे हैं। अच्छा आप लोगों को घूमना ना, और इतने सीन व्यूज है ना जो ट्रैक करने में जो मज़ा आ रहा है, तो आप अपने आँखों से देखेंगे। तो ये चीज़ें हमारे पास तो थी, लल्ला की स्कूटी लेके आते, देवदा की एवेंजर लेके आते, चार जने थे हम जो है बिल्कुल राइड करके आ सकते थे राइडिंग, लेकिन हमने जो है ट्रैक बनाने का सोचा, तो ट्रैक कर रहे तो अच्छा लग रहा है। अब से जितने भी देखेंगे कि यहाँ पे पैदल ट्रैक किया जाएगा हफ्ते में एक दिन, आसपास के एरियाज को कवर किया जाएगा। ये देखिए हम फिर से नीचे रास्ते से ट्रैक करते हुए पैदल पहुँच चुके, और ये फिर से ये वाला ट्रैक पकड़ना है, फिर इसके बाद जो है ऊपर ये पहलगाँव आएगा। हाँ हाँ ये वो देखिए उधर से भी, और ये ट्रैक ऊपर जाएगा पहलगाँव, उसके बाद जो है बंदरी देवी। अभी हम लोग दोस्तों यहाँ आ गए, देखे लल्ला लोग नहीं आए ना, सौरभ लल्ला का इंतजार करते हैं हम, ये ऐसे लेट है, कितना सुकून आनंद है देव भाई बताएंगे। बहुत सुकून है, फिर मज़ा आ रहा है देव भाई का। पीछे मैंने दूसरा ट्रैक बता रहे, पहले पांडव खोल गया था, आज दूसरा ट्रैक है इनका। मेरा भी जो है अल्मोड़ा में शायद पहला ट्रैक होगा, इससे पहले बाहर साइड ही किए ना, आज जो है अल्मोड़ा मेन अल्मोड़ा से हम लोग यहाँ तक एक्सपीडिशन, अभी इंतजार कर दे, इतना सुकून है और आवाज़ सुनिए साइलेंट आप देखिए। ये नेचर कॉल है, देखे प्रकृति की आवाज़ में शांत रहो, यही मजा है यार। मेरे को थकान तो बिल्कुल नहीं लगी, मेरे को तो ऐसे रिलैक्स दे भाई को थकान कम। ये देखो दे भाई भी देखो, इनको तो थकान कम लगी, तो देखो मतलब ये ट्रैक लेवल समझ सकते हो यार, मीडियम लेवल बोल सकता हूँ, मेरे लिए तो मतलब ईजी लेवल है। हाँ ये देखिए दोस्तों इनका इंतजार करते करते सोए नहीं, तुम्हारे इंतजार में है ये, ऐसे मत बैठो यार, ट्रैकर हो यार तुम। तो दोस्तों देखिए ये पौधार में पहुंच गया, समुद्र तल से 1850 मीटर हाइट पे, अभी हिमालयन रेंज देखिए इधर पे, देखिए ये भी रिजॉर्ट बनते, सारी ज़मीनें बिक रही,
वहाँ बादल लगे हैं, ये तगड़ा व्यू है यार। मंदिर के लिए हम जो है जो सब होता है प्रसादी चढ़ावा ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। ये शॉप है, ये पूरा ये ट्रैक जाता है, देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लग रखा है। और पहुँच से हम जय माता दी पौधा बानर देवी के लिए। ये देखो डिस्टेंस ही इसके बाद रोड से यहाँ से देखो 750 मीटर बस गया बंदर देवी। ये देखिए यहाँ पे मंदिर का जो ना दोस्तों ये कितना सुंदर बना रखा है। और देखिए मंदिर, जय माता जी। अरे आओ साथ में। लगभग 750 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर मंदिर है दोस्तों, पहाड़ी के टॉप में बानर देवी का। तो काफ़ी सुकून भरा सफर रहा यार, बहुत ही असीम शांति जो कि रिलैक्स देने वाली, मन को थकान भी नहीं। अभी जाना कि बैटरी भी मेंटेन करना है मैंने मंदिर में पहुंचना। हाँ देखिए दोस्तों जंगल में यार बांस के पौधे का फल ट्री, देखिए कितना शानदार ट्रैक है। और अभी वो पहाड़ी दिख रही है ना दोस्तों, ये इस धर पर जाना है देखिए, ये यहाँ पर बानर देवी। और देखिए ऐसे पेड़ पौधे और ट्रैक अभी बना हुआ है बिल्कुल शीशी मार के। हाँ विश्राम ग्रह, ये टीन शेड शेड भी आ गया इधर पे। ये और यात्रीगण थकते हैं तो जितने भी श्रद्धालुगण जो तो है यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा दोस्तों यार, बहुत टाइम के बाद जो ट्रैक कर रहा हूँ मैं ऐसे। तो देखिए दोस्तों वहाँ उस टॉप पे, ये यहाँ पे पहुँचना है अभी। अभी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है दोस्तों 6 किलोमीटर आगे हैं। अभी ऊपर तक देखिए कितना आता है, तो मान के चलो मैंने उठा पूरा 7 किलोमीटर का ट्रैक होगा ये पैदल। तो दोस्तों देखिए कितना तगड़ा व्यू है, पूरे यहाँ पर बांस के पेड़ है, बांस का जंगल है। जहाँ बांस का जंगल होता है दोस्तों वहाँ पानी बहुत ज़्यादा आता है। ये देखिए बिल्कुल पेड़ों के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। अभी ऊपर टॉप में पहुँचने हमने, क्या शानदार ट्रैक है। ये ट्रैक पर हम लोग जो है मंदिर में पहुँच चुके हैं। जय हो, ये देखा दो दोस्तों, जय माता दी जी दादी। अब यहाँ से जो है मंदिर में पहुँच चुके हैं दोस्तों हम, जाएंगे दर्शन करेंगे उसके बाद। जय रास्ता होगा। तो यहाँ पे पहुँच चुकी है। घर से हम लोग निकले थे दोस्तों 7 बजे, तो अभी बज चुके 10। आराम से रुकते हुए हम आए, तो दोस्तों लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक हम लोगों ने कर लिया है। इतना हम अनुमान लगा रहे हैं कि 7 किलोमीटर ऐसे होगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी दर्शन करेंगे। लोकेशन ज़बरदस्त है दोस्तों, व्यू ये। तो हम लोगों ने जो है अंदर पूजा पाठ दर्शन कर लिए दोस्तों। अंदर की वीडियो बनाना मेरे को सही नहीं लग रहा था, पूछा भी नहीं वैसे बना सकते, तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि अंदर जाके जो कि पूजा पाठ में ध्यान हो।
मंदिर से हम यहाँ जा रहे हैं अभी शाम में। काफ़ी शानदार जो प्राकृतिक दृश्य के बीच में ना, पहाड़ के बीच, पहाड़ के टॉप पे जो मंदिर बसा है, ये जितनी इन्फॉर्मेशन है, ये मंदिर जो है कत्यूरी काल का बना गया है दोस्तों। जितनी भी मूर्तियाँ हैं ना मंदिर के अंदर देखी, तो उसी टाइम की हैं, उस काल की हैं। तो ये देवी जो है चंपावत से यहाँ आई है ऐसा बताया गया है। तो इस साइड का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ से भी लोग आते होंगे ना, एंट्री गेट है। तो यहाँ आया हमें, अभी यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए यार दोस्तों, ये रहा तगड़ा, यहाँ पर फॉरेस्ट है, ये नीचे ये घर, और आसपास के गांव आप लोग देख रहे होंगे। दोस्तों देखिए यहाँ से पूरी पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये, और इधर भी देखिए ये पूरा ये वाला नज़ारा ना जो आप लोगों को दिख रहा है, ये अल्मोड़ा का नज़ारा है। तो हमने लगभग यहाँ इस मंदिर परिसर पर जो है 2 घंटे जो है समय व्यतीत कर लिया, काफ़ी शांति भरा, सुकून भरा। तो अब हम जो है जाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों यार आज जो है ट्रैक करके पहली बार अल्मोड़ा में मैंने ट्रैक किया होगा, और यहाँ हमने दर्शन कर लिए। ये एरिया आपको अगर मौका मिले तो आप ज़रूर आए, ये जो है बानर देवी। अल्मोड़ा से अगर गाड़ी से आते तो शायद 10-15 किलोमीटर होगा, और ट्रैक करके आए तो लगभग 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आके ये पहाड़ी पर टॉप पर बहुत काफ़ी जो सुंदर और यह प्राकृतिक माहौल जो काफ़ी अच्छा लगा, जो कत्यूरी काल का बना लगभग 1000 साल से भी पुराना मंदिर होगा। तो वीडियो कैसे इस बारे में बताइए। तो अभी मंदिर से लगभग हम 100 मीटर नीचे आए तो दोस्तों एक मंदिर मिल गया। देखिए ये भी बहुत पुराना मंदिर, ये भी कत्यूरी काल का मंदिर होगा शायद। और देखिए ऊपर पे बिल्कुल कलश रखा है, ये आमलक देखिए गोल दिख रहा होगा ना आप लोगों, आमलक। और इसकी मूर्ति तो है नहीं इधर भाई, ऐसी रखी इसकी मूर्ति। हाँ बता रहे थे ना, जब माता वहाँ से आई, हाँ तो एक बार यहाँ अच्छा हाँ। तो जो बानरी देवी है ना दोस्तों, जो माता चंपावत से आई सबसे पहले यहाँ पर नीचे पे, हाँ धार पे यहाँ पे विश्राम किया, इसके बाद फिर माता ऊपर पर आई, ये बता रहे हैं इसे। ये हमारे लल्ला, ये बोरा ललित सिंह बोरा, तो लल्ला की कुल देवी, बोरा लोगों की कुल देवी जो है माँ बानरी देवी भी है। यहाँ पे खोद भी रखा है इस एरिया में, जो कि तांबा पाया गया बता रहे हैं। ये पलना राजकीय प्राथमिक विद्यालय पलना है, जो कि लमगड़ा क्षेत्र में आता है। आप लोग देखिए यहीं से जो है सैंपल लिए गए, वाल तांबा वाला एरिया, कुछ दिन में यह तांबा पाया गया, उसके लिए खनन होगा। अभी दिखेगा ये गया पक्का। बड़ा टेस्टी हो रहा है। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों, ये क्या कौन सा फल खा रहे हैं हम। एक ये भी है पका, अमरूद देश सर करेगी, अमरूद यहाँ पे हेलो। यहाँ भी है एक अमरूद है। ये पार जी क्या हो गया, बहुत खा लिया भाई, बहुत अमरूद खा दिया। जहाँ दिख जाए अमरूद का पेड़, वहाँ अमरूद खाने चल दे रहे हैं। यहाँ तो पके नहीं है यार, सब कच्चे अमरूद है, कच्चे हैं। ये देखिए
अच्छा, शेर के दाने कैसे मीठे हो रहे हैं, खट्टे हो रहे हैं? बहुत मीठा है यार मेरे यार। अच्छा देखते हैं ट्राई करके। 7 साल के बाद खाया जा रहा है। यार शराब की क्या कर रहे तू? अच्छा नाइट्रोजन गैस होगी इसमें। शेर खा दिए तुमने, अमरूद खा दिए। बहुत कच्चा होता है, आराम से मुड़ो वहीं से आराम से। हाँ ये देख दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों यार ये 1 किलो आंधे तोड़ के लेके आए हमारे ललदा। ये देखिए दोस्तों इधर ही पे देखे, इस वाले टॉप पे गए थे हम, जो कि काफी इधर पे दूर लग रहा था आपको। देखो ये इस वाले टॉप पे ही बन रही थी। अभी पहुँचने वाले हम अल्मोड़ा। फिर देखिए हम जो है अब पहुँच चुके हैं इधर ही पे पेड़ पौधे, वैसे पुलिस लाइन पहुँचने वाले दोस्तों अल्मोड़ा वापसी में। और ये नीचे का नज़ारा देखिए, अभी शॉट आ रही है अच्छा रास्ता। और ऐसे उस वाले टॉप पे गए थे, ये यहाँ पे था बांद्री देवी। ये देख यहाँ पहुँचना पर हमने यहाँ रूट पे। डिस्टेंस 8.5 किलोमीटर्स, ड्यूरेशन 5 आवर्स 13 मिनट्स 54 सेकंड्स, पेस 52 मिनट्स 11 सेकंड्स पर किलोमीटर 1398 kilocalories burned, activity completed.